कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है उसका वसीला लगाकर भी दुआ मतलब कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से नेक आमाल है। इसलिए ये कैसा है शेख, थोड़ा वजाहत करें। देखिए, जायज वसीला या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात का वसीला बना करके आदमी दुआ कर सकता है। जैसे आदमी कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू रहमान है, मेरे ऊपर रहम फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात के वसीले से वो दुआ कर रहा है, ये एक चीज। दूसरी चीज ये कि इंसान अपने नेक आमाल का वसीला देकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने तेरे लिए तेरी रजामंदी के लिए फला इबादत की, मैं तुझसे दुआ करता हूँ मुझे मेरी फला जरूरत पूरी कर, अपने नेक आमाल का वसीला देकर के। तीसरी बात, कोई कोई नेक इंसान है, उस नेक इंसान के दुआ का वसीला, नेक इंसान से हम तलब करें कि आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, उस नेक इंसान के दुआ का वसीला लेना यानी उससे दुआ करवाना अपने लिए। तो ये वसीला की तीन किस्में जायज हैं और इनका जिक्र जो है शरीयत के नुसूस के अंदर आया हुआ है। जैसे जो पहली किस्म मैंने जिक्र किया कि अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात के वसीले से दुआ करना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहू बिहा, अल्लाह ताला के अच्छे नाम है, अस्माए हुस्ना है, उनके वास्ते से उनके वसीले से दुआ करो। दूसरी किस्म जो मैंने बताया कि अपनी अपने नेक आमाल के वसीले से दुआ करना, सही बुखारी की मशहूर जो रिवायत है, जो तीन आदमी गार में फंस गए थे, उन्होंने जब उनको जरूरत हुई वहां से उस मुसीबत से निकलने की, तो उन्होंने तीनों ने अपने अपने नेक आमाल को याद करके उसे वसीला बना करके दुआ मांगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, ये उसकी दलील है। तीसरी बात कि किसी नेक इंसान के दुआ के वसीले से जो है का वसीला तलब करना, इसकी दलील है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बारिश की जरूरत हुई तो लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास से तलब किया कि आप दुआ करें। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो हम उनसे दुआ करवाया करते थे, आप उनके चचा हैं, आप नेक हैं, आप दुआ करें, तो उन्होंने दुआ किया। अब देखिए, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, वफात हो चुकी थी, तो सहाबे कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं लिया क्योंकि उनकी वफात हो चुकी है, उन्होंने एक जिंदा आदमी के दुआ का वसीला लिया। तो लिहाजा वसीला की यही तीन किस्में जायज हैं, इसके अलावा और कोई किस्म जायज नहीं है। किसी मरे हुए इंसान का वसीला लेना, या आपने क्या जिक्र किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना। शेख, सिस्टर ने जो सवाल किया है वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो उस मोहब्बत के वसीले से दुआ कर सकते हैं क्या? यानी ये कह देखिए, सकते हैं कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत है हमको तो इसीलिए दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है और ये मतलूब है हमसे। तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत ये इबादत है। अब अगर कोई इस इबादत को वसीला बना रहा है तो ठीक है, लेकिन ये बहुत बारीक मसला है कि ऐसा ना हो कि थोड़ा थोड़ा करके फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेने लगे। अल्लाह के नबी से मोहब्बत ये अलग मसला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से वसीला लेना अलग मसला है। तो मोहब्बत ये इबादत है, ठीक है, उस इबादत का के हवाले से आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बीच में लाना कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से या उस वसीले से दुआ करता हूं अल्लाह ताला कबूल कर, ये जायज नहीं है। लेकिन वो जो मोहब्बत जो इबादत है उस इबादत का हवाला देकर के आदमी दुआ कर सकता है।